भारत बदल रहा है। नए भारत में विकास की हवाएं स्वच्छंद उड़ान भर रही हैं। देश और दुनिया के हर कोने में आसानी से पहुंचने के लिए किसी भी नागरिक को जरूरत होती है उच्च स्तरीय और किफायती यातायात की, और ऐसा करने के लिए भारत का हवाई यातायात क्षेत्र निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। जो 1946 में एयर इंडिया के बनने से लेकर 1985 में पवन हंस के गठन तक कई उल्लेखनीय कोशिशें करता आ रहा है। चौदह से 18 तक भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय ने देश के हर नागरिक के हवाई यात्रा के सपने को मुमकिन करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय के अंतर्गत कई ऐसे संस्थान हैं, जैसे कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, एयर इंडिया लिमिटेड, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, जो कि निरंतर यात्रियों की सुखद और सुविधाजनक यात्रा के लिए काम कर रहे हैं। इन संस्थाओं द्वारा की गई नई पहलों में शामिल हैं उड़ान, एयर सेवा, डिजी यात्रा, नभ, गगन, डिजिटल स्काई, एविएशन स्किल डेवलपमेंट प्लान, एमआरओ प्रोजेक्ट, कार्गो प्रोजेक्ट और रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स। एक नए भारत का सपना तब साकार होता है जब देश में हो रहे बदलाव की शीतल हवा का मार्मिक स्पर्श हर नागरिक महसूस कर रहा हो। पिछले 4 वर्षों में हवाई यातायात के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि नए एयरपोर्ट्स का निर्माण, किफायती दरों पर हवाई यात्रा, कौशल विकास और रोजगार सृजन, नेविगेशन सिस्टम और सभी प्रोसीजर्स का डिजिटाइजेशन इत्यादि जैसे कई नए कदम उठाए गए हैं, ताकि विश्व के आधुनिक देशों के लोगों की तरह भारतीय नागरिकों को भी ये सुविधाएं आसानी से मिल सके। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति 2016 में पहली बार विभिन्न विमानन उपक्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बनाया गया। इनमें एयरलाइंस, हवाई अड्डे, कार्गो, सामान्य विमान, एरोस्पेस विनिर्माण, कौशल विकास आदि शामिल हैं। भारत का हवाई किराया दुनिया की सबसे सस्ती दरों में से एक है। जिस तरह से हमारा एयरपोर्ट नेटवर्क बढ़ रहा है, हवाई यात्रा अब वास्तव में सबके लिए उपलब्ध है। 2014 से 18 के बीच जहां घरेलू यात्रियों की संख्या 6.1 करोड़ से बढ़कर 12.3 करोड़ हुई, वहीं अंतरराष्ट्रीय यात्री 4.3 करोड़ से बढ़कर 6 करोड़ हो गए हैं। ऑपरेशनल हवाई अड्डों की संख्या 67 से बढ़कर 102 हो गई है, जिसमें पैकियोंग का खूबसूरत एयरपोर्ट भी शामिल है। उसी तरह जहाजों की संख्या 2014 में 395 से बढ़कर 2018 में 587 हो गई है। नए भारत के हवाई यातायात का विकास केवल इन बढ़ती संख्याओं तक सीमित ही नहीं है, बल्कि झलकता है इन नागरिकों को उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान करने के लिए किए गए प्रयासों में। एयर सेवा। एयर सेवा नागरिकों के हवाई यात्रा अनुभव को व्यवस्थित तौर पर निरंतर बेहतर करने की ओर एक कोशिश है। इसके तहत शिकायतों के लिए एयर सेवा ऐप और वेबसाइट विकसित की गई है। वहीं डिजी यात्रा एक ऐसी पहल है जिसके अंतर्गत बोर्डिंग पास और सिक्योरिटी इंटरैक्शंस को पूरी तरह डिजिटल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यहां तक कि एयर सेवा पोर्टल ने अब तक कुल 13,000 लोगों की शिकायतें दर्ज की हैं, जिनमें से 95% का समाधान हुआ है।
उड़ान। उड़ान योजना भारत सरकार की अब तक की सबसे चुनौतीपूर्ण योजना रही है। इसके अंतर्गत लोग किफायती कीमतों पर हवाई यात्रा कर सकते हैं, ताकि देश का हर नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सके और अपना कीमती समय भी बचा सके। अक्टूबर 2016 में लॉन्च की गई इस योजना के अंतर्गत 45 पुराने एयरपोर्ट्स का पुनर्निर्माण, 56 नए एयरपोर्ट्स का निर्माण और 70 नए रूट्स के चालन का कार्य किया जा रहा है। कुल 40 लाख सीट्स केवल उड़ान एयरक्राफ्ट के लिए आरक्षित हैं। यही नहीं, उड़ान योजना ने 31 हेलीकॉप्टर्स के उपयोग से पहाड़ी क्षेत्रों और द्वीपों में हेलीकॉप्टर सेवाओं में भारी वृद्धि की है। कार्गो। कार्गो सुविधा के वृद्धिकरण की ओर कई कदम उठाए गए हैं। जहां वेयरहाउसिंग क्षमता और यातायात सुविधा को बेहतर करने की ओर काम किया गया है, वहीं कस्टम्स, नेशनल हाईवेज और रेलवेज के साथ सहयोग में कार्य किया जा रहा है। इसका प्रमुख उदाहरण है मंत्रालय का 21 नवंबर 2017 को विशाखापट्टनम के हवाई अड्डे और उद्घाटित किया गया नया अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो परिसर। 2014 से 18 के बीच में कार्गो टन भार 10% बढ़ा है, जिसमें कुरियर सर्विसेज कुल 15% बढ़ी हैं। इन सब चीजों का सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है विश्व स्तर पर भारतीय हवाई यातायात की बनती पहचान में। एयर इंडिया का कायापलट। बीते 4 वर्षों में एयर इंडिया ने भी हर मापदंड में लगातार वृद्धि की है, चाहे वो ग्राहक संतुष्टि हो या परिचालन में लाभ। निरंतर बढ़ते रूट्स और गंतव्य स्थलों के साथ एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्च एयरलाइन सेवा बनकर उभर रही है। सिक्योरिटी। हवाई यातायात क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का गठन किया गया। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी भारत में नागरिक विमानन सुरक्षा के लिए नियामक प्राधिकरण है। राष्ट्रीय नगर विमान सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि वह गैर कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के खिलाफ नागरिक उड्डयन संचालय की रक्षा कर पाए। पिछले कुछ वर्षों में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने ऐसे कई काम किए हैं और अपने क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। हाल ही में उन्होंने सारे टारगेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी नॉर्म्स पूरे किए हैं, जो कि यूएन बॉडी ICAO द्वारा निर्धारित हैं। इन प्रयासों की वजह से भारत में विमान सुरक्षा का प्रभावी कार्यान्वयन 99.3% है। इसके अलावा बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम भी पूरे देश भर के हवाई अड्डों पर स्थापित किए जा रहे हैं। निरंतर बढ़ते हवाई यातायात क्षेत्र में हो रही इन बढ़ोतरियों का मतलब है बढ़ता कार्यभार, जिसे संभालने के लिए एक प्रशिक्षित तबके को तैयार करने की ओर काम किया जा रहा है। एविएशन स्किल डेवलपमेंट प्लान। विमानन क्षेत्र ने जहां एक ओर 10 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा की हैं, वहीं कौशल विकास प्रदान कर कई युवाओं को इनके लिए तैयार भी किया है। भारत का पहला विमान विश्वविद्यालय राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी का उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में अगस्त 18, 2017 को उद्घाटन भी किया गया। विमान अध्ययन, शिक्षण, परीक्षण और अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस केंद्रीय विश्वविद्यालय को स्थापित करने का निर्णय लिया। आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग। नागर विमानन मंत्रालय ऐसा महसूस करता है कि देश के विकास के लिए हमें आज से कई दशकों आगे जाकर देखना होगा और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षित कदम उठाने होंगे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए कई नई टेक्नोलॉजीज का प्रयोग कर क्षेत्र का आधुनिकीकरण और वृद्धिकरण तो किया ही जा रहा है। इससे क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों और यात्रियों के लिए सुविधाजनक अनुभव भी तैयार किए जा रहे हैं। इनमें ड्रोन्स, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम आदि शामिल हैं। नागर विमानन मंत्रालय का यही प्रयास है कि आने वाले समय में इसी तरह देशवासियों का सफर आसान बनाने में उनके उठाए कदम सफल होते रहें और देश के निवासी इसी तरह अपने सपनों के विमान को सफलता के नभ में उड़ान देते रहें। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन।